हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरालाल वर्मा ने रामपुर इकाई सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की घटती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। बोर्ड में कर्मचारियों की कमी के कारण फील्ड में कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और बिजली उपभोक्ताओं की सेवाएं प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि जब प्रदेश में 6 लाख उपभोक्ता थे तब बोर्ड के पास 43,000 कर्मचारी थे। अब उपभोक्ता 26 लाख है और कर्मचारी 13,000 रह गए हैं। आज बोर्ड में कर्मचारियों के 7,500 से ऊपर पद खाली चल रहे हैं। वित्तीय संकट तेजी से विराट रूप ले रहा है। ऐसे में नए कार्यालयों को खोलने से बोर्ड की स्थिति और बिगड़ेगी। इससे विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं में कोई सुधार नहीं होगा, अपितु उपलब्ध कर्मचारियों की नए कार्यालयों में तैनाती से और सेवाएं प्रभावित होंगी। जो पिछले महीने बिजली बोर्ड ने जो सैलरी डिस्पर्स की है तो सैलरी के लिए आपको लॉनिंग के लिए जाना पड़ रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रदेश की जनता है, उपभोक्ता है, उनको रिलीफ दे सकते हैं और देना भी चाहिए। और अभी जो कंज्यूमर्स को पहले 60 यूनिट थी, अब 125 यूनिट किया है और स्टेट का प्रेरोगेटिव है, करे इसको। लेकिन हम कहना चाहेंगे इससे सीधा इफेक्ट अभी जो बिजली बोर्ड पर पड़ा है, क्योंकि बिजली बोर्ड का रेवेन्यू जो सब डिविजन से नीचे आता था वो रेवेन्यू बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इस करके जो हमारी लाइबिलिटी है वो आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस की है, वो आपकी पेंशन की है, वो आपकी सैलरी की है, उसके लिए आपको लॉनिंग करनी पड़ रही है। हम प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे आपका प्रेरोगेटिव है, आप 125 यूनिट करें, आप पूरी भी बिजली मुफ्त करें, लेकिन हम कहना चाहेंगे जो भी हमारा महीने की लागत है, जो भी हमारे महीने की कंजम्पशन होती है यूनिट की, उसके एडवांस में क्वार्टरली बिजली बोर्ड को उसकी अदायगी की जाए ताकि बिजली बोर्ड की स्थिति और ना बिगड़े। ये मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो आज पूरे स्टेट लेवल पर जो NPS का कर्मचारी आंदोलन में है और हम उसका समर्थन करते हैं, और 24 को यहाँ आपके हालांकि रामपुर में भी रैली है, हम उसका समर्थन करते हैं और उसमें पूरी भागीदारी करेंगे। इसके साथ हम कहना चाहेंगे जो प्रदेश में आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके लिए नीति बनाई जाए और उनको नियमित रूप से जो उनके महकमे कंसर्न महकमे उनमें उनका समायोजन किया जाए और उनका जो ताकि उनका जो भविष्य एक ठीक दिशा में आगे बढ़े, ये मैं कहना चाहूँगा। इस जो आज यहाँ हमारी मीटिंग है इस के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, बिजली बोर्ड की स्थिति बड़ी हालत ख़राब है। हम कह सकते हैं दोनों तरीके से बिजली बोर्ड बड़े गंभीर संकट में है। एक तो जहाँ कर्मचारी आपके 43,000 से लेकर के आज हम 13,000 के करीब रह गए हैं और लगभग 2600 आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, और एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और हम कह सकते हैं कुछ सेक्शनें या कुछ सब डिविजन ऐसे जहाँ आपका हमारा फील्ड स्टाफ है, ऑफिस में स्टाफ ही नहीं है, तो एक बड़ी दिक्कत है। हमारा प्रदेश सरकार से या बोर्ड मैनेजमेंट से निवेदन है कि बिजली बोर्ड में जो निचले स्तर की पोस्टें हैं वो क्लर्क की हो या जूनियर टीममेट की, उस पर भर्ती की जाए ताकि बिजली बोर्ड को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और हम इसमें ये भी कहना चाहेंगे जो प्रदेश सरकार अभी नए कार्यालय खोल रही है, लगभग 12 डिवीज़न खोले जा रहे हैं, एक सर्कल खोला जा रहा है और 13 सब डिवीज़न खोले जा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑफिस खोल रही है मैनेजमेंट, इससे कोई जो हमारा कंज्यूमर है उसकी सर्विसेज बेहतर नहीं होगी, हालांकि वो उसकी सर्विसेज उससे इफेक्ट होगी, क्योंकि आप वहाँ जो नए दफ्तर खोल रहे हैं दूसरे दफ्तर से वहाँ स्टाफ डिप्लॉय करेंगे, इस करके जो दफ्तर चल भी रहे हैं वहाँ भी दिक्कत क्रिएट होगी। हमें कहना चाहेंगे प्राथमिकता प्रदेश सरकार या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट जो हमारा नीचे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है भर्ती की ओर दे, उसके बाद जब कार्यालय की कहीं जरूरत है उसको कार्यालय उस हिसाब से खोला जाए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा। रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।